उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां समाजवादी पार्टी जोरों से कर रही है। अखिलेश यादव काम बोलता है कि बात कर रहे हैं। इसी के साथ शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि 2022 में चाचा भतीजे एक साथ नजर आ सकते हैं, यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ नजर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वह इस तरह से समाजवादी पार्टी में विलय नहीं करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रसपा का समाजवादी पार्टी में विलय नहीं होगा, बल्कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर वह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा मुझे एक सीट या फिर कैबिनेट मंत्री पद देना एक मजाक है। हम आगामी 21 दिसंबर को मेरठ में रैली कर यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। इसके बाद गांव-गांव में पद यात्रा करेंगे सम्मान के साथ। अगर वो अलायंस करेंगे, सम्मान के साथ हमें सीटें देंगे, हम बिल्कुल अलायंस करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को आगे के चुनाव में हटाना है। इसके लिए हम अलायंस करेंगे, राष्ट्रीय पार्टियों से भी अलायंस करेंगे और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं सबको इकट्ठा करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि 21 दिसंबर को मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे। इसके बाद 23 दिसंबर को इटावा के हैवरा ब्लॉक में चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके बाद 24 दिसंबर से गांव-गांव पदयात्रा की जाएगी, जो कि अगले 6 महीने तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रचार रथ तैयार किया जा रहा है। शिवपाल यादव ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया और कहा कि कृषि विरोधी बिल के खिलाफ दिल्ली आ रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद उन पर आंसू गैस और लाठियां और वाटर कैनन चलाया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे शिवपाल यादव नाराज हैं। उनका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अब तक गठबंधन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से विलय करना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी यह साफ कर दिया है कि इस बार वह किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, खासकर कांग्रेस का नाम लेकर, बल्कि वह छोटे छोटे दलों से इस बार गठबंधन करते हुए नजर जरूर आ सकते हैं। नहीं गठबंधन होगा, ये तो पता है है। छोटे दलों को तो साथ विलय होगा, ये छोटे दलों को प्रस्ताव के साथ विलय होगा। मैंने अपनी बात साफ कर दी है, जितने भी छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में कई हैं, उन दलों को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। वहीं बीजेपी की ओर से भी 2022 चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रैलियां करने में लगे हैं, यानी बीजेपी भी उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर तैयारियों में लग चुकी है। और समाजवादी पार्टी और प्रसपा दोनों ही छोटे दलों के साथ गठबंधन की बात कर चुके हैं। प्रसपा अध्यक्ष की बातों से ये भी साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तो करना चाहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव 2022 चुनाव से पहले अपने चाचा शिवपाल यादव से गठबंधन करेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।